विनायक, ये गांव कैसे लग गया तुझे बेटा? तू थम, मैं अभी कमिश्नर को फोन लगाती हूँ। माँ आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। कैसे चिंता ना करूँ विनायक, तू जरा नाम बता उस कैदी का जिसने तेरा ये हाल किया है। माँ उसे कैदी नंबर 103 के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले उसने मनुभिया पे हाथ उठाया था, इसने मुझसे रुका नहीं गया, मैंने भी उसे मारा। माँ किसने किसको क्या किया और किसने किससे क्या कहा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तुझे दर्द में नहीं देख सकती, दिल दुखता है मेरा। माँ आपका दिल तो मेरे पास है ना, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चला चला, मिलने का टाइम खत्म हुआ। एक मिनट हवलदार साहब। माँ सिद्धि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, वो पागल मेरे बारे में बहुत सोचती है माँ, इसलिए उसने आपको कितना कुछ कह दिया, हो सके तो उसे माफ कर देना। माँ अपने दिल में कुछ मत रखना उसके लिए। चलो चलो बहुत हो गया, अपना ख्याल रखना बेटा। अकबाई कितनी नौटंकी करनी पड़ रही है, कंटाला वाला था। चलो मैडम मिलने का टाइम खत्म हो गया। हवालदार जी, क्या मैं कैदी नंबर 103 से मिल सकती हूँ जिसने मेरे बेटे का यह हाल किया है? थैंक यू। मैडम सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। अब सिर्फ 4 मिनट है आपके पास, घूरती रहेंगी आपके, कुछ बोलेंगी भी। मैंने सुना तूने विनायक को मारा। मारा तो वैसे मजा बहुत आया उसमें। वैसे आपको बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उसे मारा? बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू और थोड़े मजे ले। चाहती क्या है? दो, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं आपके पास, तो जो भी चाहती है ना, सीधा सीधा पॉइंट पे आई है। ये गोल गोल बातें करना मुझे हजम नहीं होती। सीधे पॉइंट पे, विनायक को जान से मार दे। मार दूं? जान से मार, वो भी ऐसी, मुझे क्या मिलेगा? फ्री में तो मैं यहां लोगों को जीने तक नहीं देता मैडम जी। अपनी कीमत बोल। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए। आप सबको तो पता ही होगा कि मेरा प्यारा भाई, और आपके चहेते सुपरस्टार विन कुंद्रा ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया, तो इससे ये साबित होता है कि हमें हमारे कानून पे पूरा भरोसा है। लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया इस बात को इतना तूल क्यों दे रही है। आप में से कई लोगों ने इसे एक सनसनी खबर बना के छाप दिया है, इससे पहले कि कानून मेरे भाई को दोषी करार करे। अब सभी लोगों ने फैसला ले लिया जो कि गलत है, बहुत गलत है प्राची। आप सब लोग विन कुंद्रा को बहुत सालों से जानते हो ना? अरे इनफैक्ट वो इतना अच्छा है कि पूरा देश उससे प्यार करता है, और आप लोग को ये लगता है कि वो इतना बड़ा जुर्म कर सकता है? बस कैमरा देखा नहीं कि दोनों के दोनों मियां बीवी नाटक करना शुरू हो जाते हैं मीडिया के सामने।
तेरे लड्डू की तो इन दोनों को परवाह ही नहीं है। हाय मैं सच के जावा मेरे को मालूम नहीं है मसाले नहीं रहे। आप हमें बताइए कि अगर विन बेकसूर था तो वो पुलिस स्टेशन से भागा क्यों? पुलिस स्टेशन में शूट आउट हुआ था। अगर आप वहां होते तो आप अपनी जान बचाने के लिए भागते नहीं वहां से? क्यों? अपनी जान की हिफाजत करना कब से गुनाह हो गया प्राची? ये कब से गुनाह हो गया ये? बस कर, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? चुप हो जा, सब लोग हैं। आपको क्या लगता है विन सर पर किसी का दबाव है? अरे मैम आई है, चलो चलो। सुनी तो मंजरी मैम, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा गुनहगार है? जी मंजरी मैम, आप बोलिए, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। जी मैम, जवाब दीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरा बेटा बेगुनाह है और एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक माँ इतना बड़ा ढोंग कैसे रच सकती अपने बेटे के लिए? ये दवाई मंजरी जी को पिला दे, फिर देख कैसे सारा सच बाहर आ जाता है। देख लेना तुम लोग, बहुत जल्द मेरा विनायक यहाँ होगा हम सबके बीच। बहुत जल्द कानून उसे बाइज्जत परी करेगा। मेरी आप सबसे विनती है कि आप लोग विनायक को दोषी समझना छोड़ दो। बस माँ, बहुत हो गया, अब आपका सारा झूठ सच में बदल जाएगा। कम से कम हम सब पे क्या बीत रही है इसके बारे में तो सोचो। मंजरी मैम, आप वहाँ मौजूद थी जब विन ने शिवम सेन पर गोली चलाई थी। आपको क्या लगता है कि आपका बेटा गुनहगार है? जब उसे सजा हो जाएगी तो उसकी पेंडिंग फिल्मों का क्या होगा? आप लोग रुक जाइए, माँ पी लीजिए, आप पानी पीजिए। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें सांस तो लेने दीजिए। आप लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? माँ माँ आप पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। विन कुंद्रा की पर्सनल असिस्टेंट आपका बहुत ख्याल रखती है मैम। पर्सनल असिस्टेंट? ओ आई थिंक आप लोगों को अब तक पता नहीं है याद है ना माँ, आप ही ने मेरा नाम शेरनी रखा था। अब शिकार करने का वक्त आ गया है, अब बस देखिए तमाशा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम खबर देने वाली हूँ। वैसे तो ये खबर मिस्टर विन कुंद्रा को शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन हालात बहुत खराब है इसलिए उनके बिहाफ पर यह खबर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं विन कुंद्रा की पर्सनल असिस्टेंट नहीं बल्कि उनकी पत्नी मिसेस सिद्धि विनायक कुंद्रा हूँ। पर मैम, आप दोनों ने शादी कब की? क्या मीडिया से बचने के लिए आपने कोर्ट मैरिज की है? इतनी सीक्रेसी की वजह क्या है, बताइए मैम। बोलिए मैम, जवाब दीजिए, सब लोग जानना चाहते हैं। मैम जवाब दीजिए। होल्ड ऑन, आप लोगों के लिए जानना जरूरी नहीं है कि शादी कब और कैसे हुई। आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि मिस्टर विनायक कुंद्रा और मैं पति पत्नी हैं। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पति निर्दोष हैं, उन्होंने शिवम सेन का खून नहीं किया है और जिस किसी ने भी उन्हें फंसाया है कानून उसे सजा जरूर देगा। अरे दिवा, कहीं ये सिद्धि सबके सामने सच न बक दे। माँ माँ आप पानी पी लीजिए। वादा करती हूँ बहुत जल्द सच आप सबके सामने होगा और शिवम सेन का कातिल सलाखों के पीछे। एक हफ्ते में मिस्टर विन कुंद्रा की कोर्ट में सुनवाई है और उस दिन सच आप सभी के सामने आ जाएगा।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चक्कर क्यों आ रहा है? लगता है अब तक दवाई का असर हो गया होगा। भारी क्यों लग रहा है? माँ परेशान क्यों लग रही है? आप ठीक तो हैं? सिद्धि, मैं ठीक नहीं हूँ, तू मुझे अकेला छोड़ दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी प्यारी माँ, आप चिंता मत करो, मैं तो यहाँ पर अपने सारे सवालों के जवाब लेने आई हूँ। आज मुझे सफलता मिल गई रहेगी माँ, और आप खुद अपने गुनाह कबूल करोगी। अरे देवा, अरे ओह माँ, माँ, माँ आप ठीक तो हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मुझसे सारा सच उगलवा लेगी? हाँ, इसका मतलब वो ट्रूथ सीरम असर कर रहा है। माँ, माँ क्या हो रहा है आपको? माँ, माँ कुछ तो बोलिए। माँ, हाँ माँ बताइए, आपने कांता का खून क्यों किया? हाँ, ये कांता को मैंने मारा। हाँ क्यों, क्यों किया? क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो सबको बता देती कि क्या क्या सच बता देती। मैंने ही सिद्धि, मैंने ही वैभवी को, वैभवी को विनायक से शादी करने को कहा था, क्योंकि वैभवी के की कुंडली में दोष था और उससे शादी करके विनायक मर जाता, इसलिए मैंने कांता को मारा। वैभवी को भी मैंने ही रास्ते से हटाया। और लक्ष्मी, लक्ष्मी को किसने मारा? लक्ष्मी को मैंने मारा। इसका मतलब मनबीर भैया बेकसूर है, है ना? हाँ बाबा, वो निर्दोष है। तो फिर वो बंदूक, बंदूक मनबीर भैया के कबर्ड में, वो बंदूक जो थी, जो पुलिस को मिली थी, वो कहाँ से आई? वो बंदूक मैंने रखी थी उसके कबर्ड में, ताकि पुलिस, पुलिस 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 क्या पुलिस पुलिस हाँ जब जब तलाशी ले तो मनबीर को ही दोषी मान ले। माँ एक और बात बताइए, आप वीनू को क्यों मारना चाहती हैं? और अब तक जितने भी जानलेवा हमले हुए उस पर, क्या वो हमले आपने कराए? कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है, और मैंने भी ये सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ किया, सब कुछ अपने 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 क्या? लेकिन लेकिन बताइए अपने क्या? ये सब कुछ, ये सब मैं तुझे क्यों बता रही हूँ?
ये मुझे हो क्या रहा है? हाँ? फोन? और ये फोन? तूने फोन इसलिए यहाँ ऐसे पकड़ के रखा था? क्या तू मेरी सब बातें इस फोन में रिकॉर्ड कर रही थी? नहीं माँ, फोन दे। जो कुछ भी अभी माँ ने कहा वो उन्हें गुनहगार साबित करने के लिए काफी है। मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लगता है ट्रुथ सीरम का असर कम हो रहा है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। माँ, अब वक्त आ गया आपके किए हुए गुनाहों की आपको सजा देने का। अब आप जेल के अंदर होगी और विनू मेरे पास। भगवान के घर में देर है, अंधे नहीं। गणपति बाप्पा मौर्या। माँ आप पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सिद्धि ने मुझे पानी में मिलाकर कोई ऐसी चीज तो नहीं पिलाती जो पीने से मैंने सच 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 उगल दिया? अरे देवा, अगर ऐसा हुआ है तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादी, मेरा प्लान कामयाब हो गया। आपके त्रुट सिरम की वजह से माँ ने सारा सच उगल दिया। काली माँ तेरा लाख लाख धन्यवाद। बच्चे, अब शिवम के असली खूनी को सजा मिलेगी और मेरी जूही को इंसाफ। हाँ दादी, बहुत हो गया ये गंदा खेल। अब वक्त आ गया है माँ को उनके किए की सजा दिलवाने का। अब बस विनू के केस की सुनवाई से पहले मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी और माँ का ये कबूलनामा काफी होगा विनू को बेगुनाह साबित करने के लिए। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है दादी। अरे देवा, नहीं दूंगी सिद्धि, क्योंकि ये भी साथ मेरी बिछाई हुई है, मेरी। और यहां हार दाओ, मैं ही जीतूंगी। सुन लिया तूने? मिसेस मंजरी कुंद्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। मिसेस मंजरी कुंद्रा, आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट, टू बी हैंग टिल डेथ। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। सुन लिया सिद्धि तूने?
जीत निश्चित है। सुन लिया तूने? हाँ माँ, जीत तो निश्चित है, लेकिन आपकी नहीं, मेरी। क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ वो सबूत है जो आपको गुनेगार और मेरे वीनू को बेगुनाह साबित कर देगा।